अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फरुखाबाद के कमालगंज में आतंकवादी मारे जाने पर हिंदुस्तान के लोगों ने लहराया तिरंगा। भारत के शहीद जवानों की आत्माओं को अब मिली शांति। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कस्बा कमालगंज में ढोल बाजे के साथ लहराया तिरंगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लहराते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। भारतीय सेना को सलामी देते हुए जुलूस भी निकाला गया। आतंकी ठिकानों पर बमबारी पर जश्न। हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे पाक को सबक सिखाने वाले सैनिकों को नमन भी किया गया। सभी ने एक सुर में भारत माता की जयकारे के नारे लगाए। युवाओं ने आतिशबाजी चलाकर खुशी का इजहार किया। शहीद हुए जवानों की सच्ची श्रद्धांजलि है, जिनकी जितनी खुशी मनाई जाए उतनी कम है। इस हमले के बाद पाकिस्तान की आतंकवादी पूरी तरह टूट जाएगी। गौरतलब है कि आतंकवादियों का पनाहगार बने पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़ी कार्यवाही की है। भारतीय वायुसेना ने सुबह 3:30 बजे के करीब पाकिस्तान में एयर स्ट्रोक की। भारतीय वायुसेना ने 12 में से 2000 विमान के सहारे बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोटी इलाके में 1000 किलो बमबारी की। भारत में ये कार्यवाही पुलवामा आतंकी हमले के बाद की है। बता दें कि करीब 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारत ने ये कार्यवाही की है। पुलवामा के में पाकिस्तान ने जो दुशासन करके पीठ में छुरा घोंपा गया, हमारे 44 जवानों को शहीद कर दिया गया। ऐसे नापाक पाकिस्तान को हमारी भारतीय सेना ने ऐसा सबक सिखाया है जो उनके घर में घुसकर उनके सीने पे वार करके उनके 400 सैनिकों को, आतंकवादियों को धूल चटा दी और उनके पुचड़े पुचड़े उड़ा दिए। और पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हिंदुस्तान का एक एक युवा पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर और पाकिस्तान की ईद तहीद बजा देगा, पाकिस्तान का इस दुनिया से नाम ही मिटा देगा। फरवरी को जो पुलवामा में हमला हुआ, हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए और हमारे देश की सेना को हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से खुली छूट देने के बाद हमारी सेना ने 10 दिन के अंदर उस हमले का जवाब दिया है। और आज बड़े गर्व से बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कहते हुए कि देश हमारा एक सुरक्षित हाथों में है। मोदी जी जैसे स्वतंत्रता अगर हमको पहले मिल जाते तो आज भारत देश में सुरक्षित बन चुका होता है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर सेना को पहले ही छूट दे दी होती तो आज जो हमारे लगातार सैनिक शहीद होते रहे, क्योंकि पाकिस्तान की हिम्मत टूट जाती। हमारे देश में जो गद्दार बैठे हैं वो लगातार पाकिस्तान की हिम्मत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे भारत के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और वाकई में धन्यवाद की जो पात्र है वो भारतीय सेना है, जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है और पीओके में घुस के जो है 300 से 400 आतंकवादियों का नामो निशान मिटा दिया। अगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान नहीं मानता है तो विश्व के नक्शे से पाकिस्तान का नाम खत्म हो जाएगा। हर न्यूज के लिए फरुखाबाद से तौफीक फारूकी की रिपोर्ट।